वो नीचे जो गिरा वो समंदर को देखा तो शर्म में भर गया कि यहां गिर के क्या करूं। अल्लाह ने कहा कि सब कतरू को छोड़ के वो आप क्या कहते सही उर्दू में क्या कहते जो मोती मुंह में ले हम सिप कहते हैं आप क्या कहते हैं सिप कहते हैं सीटी समझते हैं जो समंदर में मीठे पानी के बादल के कतरे को वो झपट कर उसने अपने पेट में उसको बंद करके अमानत में रख लिया। रब्बुल इज्जत ने कहा कि ये जो शर्म वाला कतरा आ रहा है ना इसको जल्दी से समंदर के तहे से निकलो सी जल्दी इसको इसको अपने पेट में समाओ रख ये बड़ी इमानत है तुम्हारे पास ये बड़ी इमानत है क्योंकि जिसको शर्म आ गया रब्बुल इज्जत ने कहा कि वो जो बरसे तो घास का एक एक थोड़ा सा घास निकला थोड़ा सब्जा हुआ जिसको शर्म आ गया उससे एक हीरा एक करोड़ रुपए का बन गया कि क्यों बोला एक कतरे से एक करोड़ का एक अरब का तूने मोती बना दिया कहा कि इसलिए कि इसको शर्म आ गया बेशर्म के लिए कुछ नहीं बेशर्म के लिए अल्लाह यकी कतरा बारा जाबले चकी खिजल शुद्ध पिनहाय दरिया बदी शर्म में मर गया रब्बुल इज्जत ने कहा कि तू भी शर्म कर तू मैं शर्म कर क्या अल्लाह देख रहा है इतनी इतनी नेमतें खा रहा हूं और उसने अपना महबूब मेरे लिए भेजा मुझे जरा बराबर शर्म नहीं ये अगर आ जाए तुझे तो बस एक बात करते अपनी बात पे वापस आऊंगा हसन बसरी पे ओ राबिया बसरी हजरत राबिया बसरी की बात की फिर जिब्रेल की बात की थी फिर अपने मौजू पे आया तो आया ना आया तो माफी चाहूंगा लेकिन मैं अपने रास्ते से गया नहीं हूं वहीं हूं क्योंकि अगर मैं मदीने के अड़ोस पड़ोस में फिर रहा हूं तो वहीं हूं ना इधर से फिर के मदीने आया पर उधर से आया तो भाई अगर कोई दूसरा रास्ता ले ले कि मुसलमान बनके यहूदियों की चेहरा बना दे मुसलमान बनके हाजी सुना के तुर्कुस्तान चले जाओ मुसलमान बना के दाढ़ी ऐसी रखो कि तुझे आईने में भी शर्म या तो मुना दो बिल्कुल मुटा दो नहीं तो ऐसी रखूंगा जो अंग्रेज रखते अरे नाकान ऐसी रखो जो मुस्तफा ने रखी थी तो अंग्रेजों की सुनत तो करता भी देखे नहीं है तुमने जवान वो दाढ़ी जो सजती भी नहीं जजती भी नहीं वो चेहरे पे ऐसी गर्दी लग रही है अरे क्यों रखी है तूने ये अंग्रेजों ने रखी है पहले ये शर्म आनी चाहिए थी वो जो मेरे महबूब ने रखी है सो हाँ पर जो महबूब की गुलाम जब दाढ़ी वाला कोई गुजरता हमारे सन्मे तो होता है कहते माशाल्लाह इतनी दाढ़ी अरे बेगैरत तू दाढ़ी को देख कैसा करता अरे एक तो रखता नहीं एक तो मुठा था वो जो दूसरे रखते उस पर तंग करता है तू लेकिन शर्म कर एक दिन तुझे खुदा की कसम महबूब के सामने जाना